नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका और हमारा अपना चैनल कुछ नए करें में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर हमेशा नए नए वीडियो लाते रहते हैं। हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं उमंग, चाहे दोस्तों आप नाम सुने ही होंगे, उमंग एक बहुत ही बेस्ट सर्विस होता है जिसमें हर प्रकार के सारे सेवा उपलब्ध होते हैं। अब इस उमंग वाले साइट को यहाँ पर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव कर दिया गया है। अब आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से उमंग के साइट को आराम से खोल पाएंगे। तो आज हम पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाएंगे, किस प्रकार से आप उमंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से इसको किस प्रकार से ओपन करिए। तो बने रहे हमारे साथ हमारा चैनल कुछ नया करें में। दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में। जी हाँ दोस्तों, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, और आप इसको जहाँ तक संभव हो सके मोज़िला फायरफॉक्स में ही ओपन कीजिएगा, क्योंकि उमंग का जो यहाँ पर साइट दिया हुआ है वह क्रोम में ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ता। तो आप मोज़िला फायरफॉक्स का उपयोग करेंगे। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ आप सर्च बार में भी टाइप करेंगे तब भी नहीं आएगा, सर्विस में जाकर के न्यू सर्विस करेंगे तब भी टाइप में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उमंग लिखा हुआ है न्यू सर्विस के साइड में, तो आपको यहीं से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हमें आप फटाफट से क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं इसको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। यदि आपके साइड में भी इस प्रकार का प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप इसको लॉग आउट कीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद आप पूरा डाटा एक बार क्लीन कर दीजिएगा, फिर से ओपन कीजिएगा, हो जाएगा। तो हम फिर से अपने साइट को लॉग आउट करके लॉग इन कर चुके हैं डाटा क्लीन करके। चलिए फिर से हम इसको उमंग को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा उमंग का साइट आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में ओपन हो चुका है। तो जैसे आप फर्स्ट बार इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और 4 डिजिट का आप अपना एम पिन बनाएंगे। आप कुछ भी अपने हिसाब से एम पिन बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप उसको लॉग इन में क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और एम पिन दे करके यहाँ पर लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे सर्विस आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जैसे ये कोर्सेस सर्विस है, SSC है, EPFO है, प्रसार भारती दूरदर्शन है, माई पेन है, HP गैस है और भी बहुत सारे सर्विस इसमें दिए हुए हैं। यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल ऊपर करके आएंगे, यहाँ से आप सर्विस के बारे में यहाँ सर्च है, सेंटर का है, स्टेट का है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो हम सेंटर क्लिक कर देते हैं तो केवल सेंटर का सर्विस यहाँ पर दिखाएगा। यदि आप अपने स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टेट का सर्विस आपको दिखाएगा। यदि आप यहाँ पर ऑल में सेलेक्ट करते हैं तो पूरा ऑल सर्विस यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको जो यहाँ पर जो 5-6 सर्विस दिख रहे हैं उसको आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ई कोर्स सर्विस में मैं थोड़ा क्लिक करके आपको दिखा दूँ किस प्रकार से इसका डैशबोर्ड होता है, इसमें क्या क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ से आप CRN नंबर जनरेट कर सकते हैं, माई केस है, जो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्स इंडिया की तरफ से दिया गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से सेड है। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। यहाँ पर SCC क्लिक करके आप यहाँ से बेस्ट सर्विस में जुड़ा है जो वो है SCC का। तो यहाँ पर आप लास्ट डेट नोट पा सकते हैं, नोटिफिकेशन पा सकते हैं, नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, अपना रिजल्ट एग्जाम रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करने पर, ठीक है। कुछ प्रतीक्षा करने पर खुल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रिपोर्ट है यहाँ पर आप सारे देख पाएंगे। तो चलिए हम उसको वापस थोड़ा जाते हैं। तो अब बेस्ट सर्विस यहाँ पर जुड़ चुका है, तो बस आपको बस जानकारी बतलाना था कि आप इसको किस प्रकार से कार्य करें, देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट सर्विस होता है। क्योंकि इसको मैं बाहर से भी यूज़ कर चुका हूँ, इसको आप बाहर से भी इसको अलग से साइड में भी ओपन कर सकते हैं, बेस्ट सर्विस है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसार भारती का, चलिए मैं आपको कुछ दिखा दूँ किस प्रकार से प्रसार भारती का साइड इसको देखते हैं। तो कीजिए, बेस्ट सर्विस है ये, क्योंकि उमंग मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ बाहर से, CSC के तरफ से नहीं, लेकिन बाहर से इसको उमंग का साइट पहले से ओपन करके मैं देख लिया था किस प्रकार से इसमें क्या क्या काम होता है। क्योंकि इसको बाहर से आप खोलोगे तो इतना सारा सर्विस है, बहुत सारे सर्विस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से इसका ID पासवर्ड भी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हो। प्रसार भारती के देख सकते हैं यहाँ पर साइट खुल चुका है, वीडियो इंटर डिमांड। अब मैं तो आपको इसको विशेष जानकारी नहीं बता सकता क्योंकि किस प्रकार से इसका है, तो आप खुद इसको यूज़ करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से चलता है उमंग का साइट इसमें। तो गाइस देखिए इसको आप करके किस प्रकार से इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, हो सकता है इसमें और सारे सर्विस, बहुत सारे सर्विस जुड़ जाएं। तो आपको एक झलक मैं पेन, माई पेन के बारे में दिखा दूँ किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप देख पाएंगे माई पेन में, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू पेन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अब पता नहीं किस प्रकार से जनरेट होगा, इसमें चलाने के बाद ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से यहाँ पर होता है। इसमें KYC अप्लाई KYC के लिए है, सिग्नेचर के लिए, फॉर्म, बहुत सारे इसमें सिस्टम दिए हुए हैं। तो चलो हम एक KYC वाले को eKYC को क्लिक करके देखते हैं किस प्रकार से इसमें पैन कार्ड बनता है। हो सकता है इसमें फिंगरप्रिंट का दिया हो, तो अच्छी चीज़ है अगर फिंगरप्रिंट दिया हो तो, क्योंकि फर्स्ट सर्विस होगा जिसमें फिंगरप्रिंट के थ्रू पैन कार्ड बनाया जाएगा। तो कीजिए दोस्तों इसको ओपन, बहुत ही बेस्ट सर्विस है। आप अपने डिजिटल पोर्टल में ओपन करके देखिएगा, यहाँ से फिर यहाँ UTI से होगा, ये प्रोसेस करके देखते हैं।
तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये पैन कार्ड का यहाँ पर खुलेगा फॉर्म जो है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कीजिए अपना पोर्टल से उमंग। यदि ओपन होने में कुछ परेशानी है तो होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको इसका सलूशन बताने का प्रयत्न करूँगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।